हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ लेसन फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम सो टुडे टॉपिक इज मेमोरी यूनिट वी ऑलरेडी टॉक अबाउट मेमोरी। सो मेमोरी का यूज़ इनपुट डिवाइस के थ्रू इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेमरी ऑफ कंप्यूटर नाउ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मेमरी देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमरी फर्स्ट इज़ मेन मेमोरी, सो इसे आप प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी मेमोरी, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट मेन मेमोरी, सो इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी, दिस मेमोरी इज़ यूज्ड एज ए स्टोरेज यूनिट फॉर प्रोग्राम एज वेल एज डेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के लोकेशन पर डिपेंड होती है मेन मेमरी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है सो नाउ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी फर्स्ट इज़ रैम सेकंड रोम एंड थर्ड इज़ कैशे मेमोरी सो फर्स्ट रैम रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी इट इज़ ए रीड एंड राइट मेमोरी ओके कीबोर्ड या अदर इनपुट डिवाइसेस से जो डेटा इनपुट किया जाता है सबसे पहले डेटा रैम में स्टोर होता है और जब भी सी को डेटा की नीड होती है तो सी पी डेटा रैम से जाकर लेता है इट मीन्स इट इज़ यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज इन कंप्यूटर्स टू होल्ड एक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड रैम इज़ अ वॉलेटल मेमोरी बिकॉज व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ और इंटरप्टेड यू मे बी लॉस द डेटा सेकेंड इज़ रोम रोम स्टैंडस फॉर रीड ओनली मेमरी इट इज़ रीड ओनली मेमरी इट मीन्स रोम की मैन्यूफैक्चरिंग के टाइम जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर किया जाता है उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते रोम इज़ नॉन वोलाटाइल मेमरी बिकॉज रोम के अंदर जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर है वो कभी भी डिलीट नहीं होती रोम रैम से स्लो होती है और रोम का यूज़ बेसिक हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स को चेक करने के कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है सच एज़ बूटिंग प्रोसीजर टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इट मीनस कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है वो रोम की हेल्प से होता है बिकॉज इसमें बूट स्ट्रैप होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में यूज़ होते हैं नाउ थर्ड इज़ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज़ अ स्मॉल मेमोरी दैट ऑपरेट्स मच फास्टर देन द प्राइमरी मेमोरी। और रैम कैशे मेमोरी फास्ट स्पीड की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ करती है सीपीयू की स्पीड फास्ट होती है लेकिन रैम की स्पीड कम होने के कारण सीपीयू और रैम के बीच में डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड कम हो जाती है कैशे मेमोरी की स्पीड ज़्यादा होती है और सी को फास्ट स्पीड से डेटा प्रोवाइड करवाती है इसलिए कंप्यूटर का एक्सेस टाइम कम हो जाता है और कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है सो so, जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को बार बार यूज़ किया जाता है उनको कैश मेमोरी स्टोर कर लेती है प्रोसेसर कोई भी डेटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है और अगर वो फाइल उसे वहाँ पे नहीं मिलती है तो उसके बाद रैम मीन्स प्राइमरी मेमोरी को चेक करता है इट मीन्स कैश मेमोरी इज़ प्लेस बिटवीन सी पी यू एंड मेन मेमोरी सर टुडे लास्ट टॉपिक इज़ यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनो you मेमोरी know, की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है बिट होती है और एक बिट को बोलते हैं बाइनरी डिजिट जिसे ज़ीरो और वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जो भी यूज़र इनपुट देता है या फिर जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन देता है जब भी इसको स्टोर किया जाता है तो बिट के कॉम्बिनेशन में ही स्टोर किया जाता है अगर एट बिट का कलेक्शन होगा उसे बोलते हैं वन बाइट अगर फोर बिट का कलेक्शन होगा उसे बोलते हैं वन निबल सो so, ऐसी एक पूरी टेबल बनी हुई है जिसमें वन बाय वन सारी यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है सो फर्स्ट आता है बिट जिसे बाइंड्री डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो और वन की फॉर्म में बिट के बाद आता है निबल जो कि फोर बिट का कलेक्शन होता है निबल के बाद आता है बाइट जो कि एट बिट का कलेक्शन होता है बाइट के बाद आता है केबी यानी कि किलो बाइट वन किलो इक्वल होता है वन बाइट्स के के बी के बाद आता है एम बी यानी कि मेगाबाइट वन मेगाबाइट इक्वल टू वन ज़ीरो टू फोर किलोबाइट्स एम बी के बाद आता है जी बी यानी कि गीगाबाइट वन गीगाबाइट इक्वल टू वन ज़ीरो टू फोर एम बी जी बी के बाद आता है टी बी यानी कि टेराबाइट वन टेराबाइट इक्वल टू वन ज़ीरो टू फोर गीगाबाइट्स टी बी के बाद आता है पी बी यानी कि पैटाबाइट वन पैटाबाइट इक्वल टू वन जीरो टू फोर टी बी पैटा के बाद आता है एक्साबाइट सो वन एक्सा बाइट इक्वल टू वन जीरो टू फोर पी बी एक्सा के बाद आता है जेटाबाइट वन जेटाबाइट इक्वल टू वन जीरो टू फोर ई बी इट मीनस एक्साबाइट जैटा बाइट के बाद आता है बाइट, जो कि वन योटाबाइट इक्वल टू वन जीरो टू फोर के इक्वल होता है योटा बाइट के बाद आता है ब्रोंटो बाइट वन ब्रोंटो बाइट इक्वल टू वन जीरो टू फोर योटा बाइट एंड लास्ट में आता है जियो बाइट यानी कि वन जियो बाइट इक्वल टू वन जीरो टू फोर ब्रोंटो बाइट सो दैट्स इनफ फॉर टुडे सी यू नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय